5 में लिखा कि परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं थे और जिसकी वजह से वो जंगल में ढेर हो गए और मरुभूमि में ही मर गए, अपने क्लेशों में ही, अपनी बीमारी में ही मर गए और अपनी टेस्टमनी, अपनी हीलिंग, अपने छुटकारे, अपने कनान तक पहुंच ना पाए। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु का अनुग्रह हमने परमेश्वर से मांगना है कि हे परमेश्वर, जिस तरह से मूसा ने अनुग्रह मांगा कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। सो आज जितने भी जन दुखों में हैं और सफरिंग्स में, किसी भी तरह के आप चैलेंज में आप अधिक जानते हैं, उन प्रॉब्लम्स में हमें लगातार प्रेयर्स करने के, परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। जो आज हम मसीह में हैं और परमेश्वर कहता है कि मुझे पिता तक कोई नहीं कह सकता जब तक कि मेरा अनुग्रह उस व्यक्ति पर ना हो। सो यदि आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पिता कहकर जानते हैं तो ये परमेश्वर की अनुग्रह हुआ हम पर। यदि आज आप मसीह में हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। सो इन दुखों में भी, सफरिंग्स में भी हमें लगातार परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। खुदावन, जिस तरह से परमेश्वर रूथ पर तेरा अनुग्रह हुआ, रूथ पर बोझ का अनुग्रह हुआ, जो कि रूथ एक विधवा थी और वचन कहता है कि वो दूसरे देश में आई थी, अन्य जाति में से थी और अलोन थी, उसे कोई नहीं जानता था और परमेश्वर ने बोझ के द्वारा उसे अनुग्रह दिया और अपनी ब्लड लाइन के साथ परमेश्वर ने जोड़ा। वो मपीबोशेत के ऊपर परमेश्वर ने दाऊद का अनुग्रह किया। सो उसी तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर बना हुआ है। सो परमेश्वर कहता तुम मेरी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हो। परमेश्वर कहता तुम मुझसे मांगो, यदि तुम कमजोर हो तो मुझसे बल मांगो, यदि तुम्हें हीलिंग चाहिए तो मुझसे चंगाई मांगो। तो परमेश्वर कहता मैं सबको मांगने के द्वारा उदारता से देता हूँ। सो हमें लगातार परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। मूसा ने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा लेकिन इसराइलियों ने समय समय पर पाप किया, अविश्वास किया और वचन कहता है कि परमेश्वर ने बड़ा दर्शन देखा था उनके लिए, उनके पाप अविश्वास के कारण मरुभूमि में ही वो ढेर हो गए, उनकी डेड बॉडीज जंगल में ही पड़ी रह गई, लाखों में से केवल दो ही कनान अपनी टेस्टमनी तक पहुंच पाए। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि ये चाहे तुम्हारी सौरो और सफरिंग्स जो हैं, चाहे वो 6 महीने की हो, तुम्हारी परीक्षाएं चाहे 1 साल की हो, चाहे 10 साल की हो, परमेश्वर कहता है इन सफरिंग्स में, इस परीक्षा में परमेश्वर में बने रहो। हम वचन में पढ़ते हैं 1 किंग्स पहला राजाओं में, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एलिया प्रभु का दास जो है बड़ा कार्य करके शैतान के विरुद्ध जो है, कहते हैं कि बड़े शैतानी शत्रुओं के विरुद्ध लड़के जब वो जा रहा था, तो लिखा है कि वो शैतानी जो थी सरकार उस समय की इजाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा ये कहला भेजा कि मैं तेरा खत्म कर दूंगी तुझे। तो लिखा है कि एलिया स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। सो जब ऐसा हुआ कि उसकी सरकार वहां, उस देश की सरकार उसके विरुद्ध हो गई, तो लिखा है कि वो क्या हुआ, एक दिन के मार्ग में, जंगल के एक दिन के मार्ग पर क्या है, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और परमेश्वर से प्रेयर करने लगा कि हे प्रभु अब तो तू मेरा प्राण ले ले, क्योंकि बस अब मैं अपने प्रखाओं से अच्छा नहीं, मैं और नहीं लड़ सकता। केवल एक ही दिन की परीक्षा, एक ही दिन का जंगल के मार्ग में, लिखा है कि वो प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर अब बस कर, मैं और आगे इस परीक्षा में, इस जंगल में, इस दुख में, इस सताव में नहीं रह सकता। और वचन कहता है कि वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखिए एक स्वर्गीय दूत आया और उसने छूकर उसे उठाकर कहा कि ये रोटी खा, एक रोटी और साथ में एक सुराही में पानी था, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। और लिखा है कि एलिया ने उस रोटी को खाया, पानी को पिया और फिर सो गया। फिर दूसरी बार वचन कहता है कि फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आया, जब हम देखते हैं 19:7 में लिखा कि दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा उठकर खा, और लिखा है कि क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब दूसरी बार स्वर्गीय दूत उसके पास आया तो उसने कहा कि उठकर खा और पी क्योंकि तुझे लंबी यात्रा करनी है। याद रखिए जब एक ही दिन के सताव में जो था वो एलिया प्रेयर करने लगा कि हे परमेश्वर अब मुझसे और नहीं हो सकता, खुदावन मुझे इस सताव से बाहर निकाल, मुझे शांति दे, एक ही दिन के सताव, एक ही दिन के सौरों में, एक ही दिन की मरुभूमि में, और लेकिन परमेश्वर ने कहा क्या कहा कि तुझे लंबी यात्रा करनी है, एक दिन नहीं है, लंबी यात्रा तुझे करनी है। सो उसी तरह से बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं बन पा रही, वो प्रोसेस में ही लगातार उनकी चंगाई प्रोसेस में, डिलीवरेंस प्रोसेस में होती जा रही है।
सो परमेश्वर कहता है तुम्हारी लाइफ में एक दिन का मार्ग नहीं, शायद तुम्हें लंबी यात्रा करनी है, लेकिन साथ में ध्यान रखें कि परमेश्वर ने एलिया को केवल यह नहीं कहा कि तुम्हारा मरुभूमि, तुम्हारा जंगल, तुम्हारी परीक्षाएं लंबी है, लेकिन साथ में परमेश्वर ने उसे बल भी दिया। सो यानी कि परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर त्यागेगा नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय दूतों को भेजा, उसे रोटी और पानी दिया, जिसे पीकर, जिसे खाकर उसे बल आया। वचन कहता है 8 में कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते अपनी टेस्टमनी तक पहुंचा। एक ही दिन के बाद एलिया प्रेयर करने लगा कि परमेश्वर इस परीक्षा से, इस ताप से मुझे बाहर निकाल। तो परमेश्वर ने उसे क्या, रोटी और पानी दिया, उसकी प्रेयर को नहीं सुना, परमेश्वर ने उसे बल दिया। और लिखा कि एक दिन का जो उसका जंगल का मार्ग 40 दिन रात तक वो चलता रहा, उस जंगल, उस मरुभूमि में, वो अकेलेपन में, अंधेरे में, उस स्ताप में, और अपनी टेस्टमनी तक पहुंचा। क्या दिया परमेश्वर ने, भोजन से बल पाकर। भोजन किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। बल किसने दिया, प्रभु ने दिया। सो यानी कि भले ही आप किसी भी तरह के सफरिंग में है, सौरों में है, लेकिन बल देगा। भले ही आप पेन्स में है, लेकिन उस पेन्स में किस तरह से परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर आपको बल देगा कि आप दलेरी के साथ प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आपको चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, आपको दूसरों की टेस्टमनीज देगा। परमेश्वर आराधना के द्वारा आपको बल देगा कि आप प्रभु में बने रहें। एलिया ने कहा एक ही दिन के सताव के बाद कि हे परमेश्वर बस कर, लेकिन परमेश्वर का ने कहा कि नहीं नहीं एक दिन नहीं, तुझे 40 दिन रात तुझे जंगल में से होकर, इन दुखों में से होकर जाना है, लेकिन हाँ मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अपना बल दूंगा। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों को अपना बल देता है, अपनी ताकत देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप मरे ना, आप कमजोर ना हो, आप गिर ना जाए, आप इसराइलियों की तरह जो है ढेर ना हो जाएं, बल्कि चाहता है खुदावंत कि आप अपने कनान तक पहुंचें। सो उसके लिए हमें प्रभु में बने रहना होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो राजमार्ग जिसकी बात की गई है, यशाया 35 उसकी 8 में, कि सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम होगा पवित्र मार्ग। सो परमेश्वर कहता कि वो पवित्र मार्ग मैं हूँ, राह मैं हूँ। खुदावंत कहता यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो प्रभु कहता है कि तुम किसी भी तरह के अंधियारे में ना चलोगे। इस वचन में आगे क्या लिखा है 35 उसके 8 में कि कोई भी अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। अशुद्ध जन यानी कि जिन लोगों ने अभी पवित्रताई में नहीं, जो व्यभिचार में है, जो चोरी रिश्वतखोरी में है, जो अभी भी जिन्होंने तौबा नहीं की है, कोई भी अशुद्ध जन जिन्होंने तौबा नहीं की, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वे उस पवित्र मार्ग पर ना चलने पाएंगे। उस मार्ग पर चाहे मूर्ख भी चलें तो भी कभी ना भटकेंगे। परमेश्वर कहता कि मैंने मूर्खों को चुन लिया, खुदावंत कहता है मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया, परमेश्वर कहता है मैंने दुर्बलों को चुन लिया, मैंने गरीबों को चुन लिया, निर्धनों को चुन लिया कि मेरे कामों को करें, मेरी सेवा को करें, और खुदावंत कहता है मैंने उन्हें चुन लिया और इस पवित्र मार्ग पर वो भटकेंगे नहीं। खुदावंत कहता है जब तुम लोग, आगे क्या लिखा कि जब तुम अपनी सफरिंग्स में चलते रहोगे और इस पवित्र मार्ग पर पहुंचोगे, तो परमेश्वर कहता कि तुम भटकोगे नहीं, बल्कि सीधी लाइन में, खुदावंत कहता कि मेरे सिंहासन के पास, उस अनंत जीवन में, उस स्वर्ग के, मेरी टेस्टमनी तक तुम पहुंचने पाओगे। और आगे लिखा 9 में कि वहां सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर चलेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपनी सफरिंग्स मरुभूमि में से होकर उस पवित्र मार्ग पर पहुंचोगे तो कोई भी सिंह ना होगा, कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा। यानी कि जैसे शैतान क्या है, फाड़ने वाले सिंह के समान जो है, हर समय ऐसी ताक में रहता है कि किस तरह से वो फाड़ खाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उस पवित्र मार्ग पर कोई भी हिंसक जंतु ना होगा। और छुड़ाए हुए यानी कि अपने पापों से जिन लोगों ने तौबा की है, जिन लोगों ने हर बुरी आदत से, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया है, जो नशे छोड़ चुके हैं, जो पाप छोड़ चुके हैं, सो छुड़ाए हुए, तौबा किए हुए उस पर, उस पवित्र मार्ग पर नित चलेंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा, सो परमेश्वर का वचन कहता है कि छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का होंका जो होता ना, दुख दे विच लोग होंका लेंदे हैं, लंबी सांस का लेना जाता रहेगा, परमेश्वर के आनंद के साथ वो भर जाएंगे। सब कलीसिया कहे आमेन। सो परमेश्वर का कहता कि मैं पवित्र मार्ग हूँ, मैं राह हूँ, और ये मार्ग मैंने बनाया है। यदि तुम अब इस समय मरुभूमि सफरिंग्स में से होकर चले
और तुम भले इस समय सफरिंग्स में हो, दुखों में हो, किसी भी तरह के क्लेश में हो, किसी भी तरह के चैलेंज में हो, या तुम्हारी टेस्टिमनीज रुकी हुई हैं, लेकिन यदि तुमने इस मरुभूमि में, इस जंगल के मार्ग पर यदि तुमने विश्वास को ना खोया, और परमेश्वर कहता है यदि तुमने पवित्र स्थान जो खुदा ने ठहराया उससे यदि तुम दूर ना हटे, यदि तुम मेरी उपस्थिति में बने रहे, तो खुदावंद कहता है कि इस पवित्र मार्ग पर तुम पहुंचोगे। और परमेश्वर कहता है शैतान, दुष्ट आत्माएं, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु तुम पर कोई अटैक ना कर पाएगा। और खुदावंद कहता है कि चाहे तुम में अकल कम हो, चाहे बुद्धि की कमी हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे उस काम में मैं तुझे सफलता दूंगा, तुम लॉस में नहीं जाओगे। परमेश्वर कहता है फेलियर स्पिरिट मैं तुम्हारी लाइफ से खत्म करूंगा, संयोन की से जय जयकार के साथ परमेश्वर कहता आनंद के साथ मैं तुम्हारी लाइफ को भर दूंगा, बिग टेस्टिमनीज के साथ तुम्हारी लाइफ में भर दूंगा। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, अपनी सफरिंग्स में, अपने सौरों में, अपने दुखों में, ऑनलाइन क्लिसियों प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के टाइम का वेट करना है कि प्रभु आपको छुए, आपको छुड़ाए। हालेलुया। आप जंगल में अपनी पेन्स में, अपनी बीमारी में ढेर ना हो जाएं, परमेश्वर इन दुखों में आपको बल देगा। एलिया को परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों को भेजकर उसे रोटी और पानी दिया, उसे बल दिया और उसे बोला कि तुम्हारी यात्रा अभी परीक्षा की, तुम्हारी बीमारियों की, तुम्हारी सफरिंग्स की, मरुभूमि की यात्रा अभी लंबी है, लेकिन मैं तुझे बल देता हूं। सो मेरा विश्वास है कि जितने भी जनाज सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बल देगा कि आप उन सफरिंग्स में बने रहें प्रभु में, और खुदावंद आपके कनान तक, खुदावंद आपकी टेस्टमनी तक, खुदावंद आपके संयोन तक, आपके डिलीवरेंस तक, उस पवित्र मार्ग तक परमेश्वर पहुंचाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह के दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, हर तरह के शत्रु आपकी लाइफ से नाश हो जाए, फाड़ने वाले सिंह, हर खूंखार जंतु आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, विष वाले सर्प, बिच्छू, हर तरह के अटैक आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, परमेश्वर का बल आपको मिले। इजराइली लिखा है डेड बॉडीज जंगल में पड़ी थी, लेकिन परमेश्वर दीर्घायु के साथ आपको तृप्त करे, परमेश्वर लंबी उम्र दे, खुदावन आपको बल भी दे कि आप अपनी टेस्टमनी तक पहुंच पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास को बनाए रखे खुदावन, आपको वफादारी वाला मन दे परमेश्वर, कि जब आपने अपनी लाइफ में परमेश्वर के बड़े कामों को ना भी अभी तक देखा हो, लेकिन फिर भी आपका विश्वास सातवें आसमान पर हो, किसी भी तरह का शक और डाउट शैतान आपकी लाइफ में पैदा ना कर सके, बल्कि आप विश्वास में प्रभु में और ऊंचा और स्पिरिचुअली और आगे बढ़ते जाएं, ताकि परमेश्वर जो है आपको छुए, आपके पवित्र मार्ग, आपके टेस्टमनी तक परमेश्वर आपको पहुंचाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।